गोपालगंज पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा। उन्होंने बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर यूपी से सटे अहरौलीदान, गोपालगंज के काला मटिनिया, पतहारा, टंडसपुर, डुमरिया सहित कई तटबंध स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि दो दिनों पूर्व नीतीश सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में गोपालगंज के शहर के बीचोंबीच से गुजरने वाली छाड़ी नदी की सफाई करने और उसे विकसित करने का निर्णय लिया गया है। संजय झा ने कहा कि गोपालगंज छाड़ी नदी को विकसित करने के साथ ही इस नदी को सोनपुर में गंगा नदी से जोड़ा जाएगा। इसके लिए बिहार की नीतीश सरकार की कैबिनेट ने 70 करोड़ की मंजूरी दी है। छाड़ी नदी की सफाई और विकसित होने से उत्तर बिहार के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इसके साथ ही गंडक नदी से जल निकासी होगा। संजय कुमार झा ने कहा कि नेपाल में हाई डैम बनाने की बात चल रही है। अगर वहां पर भारत सरकार की पहल से हाई डैम का निर्माण हो जाता है तो बिहार के कई जिलों को बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी। संजय कुमार झा आज गुरुवार को गोपालगंज के तटबंधों का निरीक्षण करने के बाद वे सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि बिहार के सभी तटबंध सुरक्षित हैं, फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार से ज्यादा बारिश की चिंता नहीं है, बल्कि नेपाल में ज्यादा बारिश के फ्लड की चिंता बनी रहती है, जिससे बिहार की गंडक, कोसी, कमला नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। बहरहाल बिहार को अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। इस मौके पर गोपालगंज के सांसद व जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। आज हम लोग आए हैं बाढ़ पूर्व निरीक्षण करने के लिए, जो हम लोग का एक रहता है कि इस जोन में जा करके सारा काम देखने के लिए कुछ कमी है क्या और कर सकते हैं, जो काम है वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अभी हम लोग वही चीज़ देख रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, फिर अभी रिव्यू होगा जा करके गोपालगंज में। तो मेरे संतोषप्रद है जो भी काम किया गया है, कोई खतरे की बात नहीं है। एक चीज़ जरूर रहता है कि पिछले दिनों देखा गया है कि नेपाल के स्टेशन पर अनप्रेसिडेंटेड बारिश हो जाती है, उससे फ्लैश फ्लड का खतरा ज़्यादा गंडक में देखा गया है। उसके लिए भी हम लोग अलर्ट है। एक बड़ा काम जो नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पास किया है दो दिन पहले, छाड़ी नदी को पुनर्जीवित करने का 70 करोड़ के आसपास का काम है, और पैसा लगेगा तो और दिया जाएगा। और नदी जोड़ो योजना में गोपालगंज शहर के बीच से नदी बहती थी, 2003 में सुलिस दे करके बंद कर दिया गया, तो आज हम लोग वो भी देखने जा रहे हैं और उसको हम लोग गंगा से जा करके सोनपुर में मिलाएंगे। तो इस काम से बाढ़ का प्रभाव भी कम होगा, सिंचाई की सुविधा भी बढ़ेगी, वाटर टेबल भी ठीक होगा, और जो छठ पूजा पाठ करते हैं वो भी शहर के बीचों बीच पानी मिल जाएगा। नगर भी गए थे सर, वहाँ तो नेपाल के इलाके में भी आपने समस्याएं मिली नेपाल से? नहीं, नेपाल साइड में एक हम लोग हमेशा ये बात उठाते हैं, अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, कि देखिए जो बिहार से ज़्यादा चिंता हम लोगों को नेपाल साइड के बारिश या नेपाल में जो काम है उससे, हम लोग वहाँ भी काम करते हैं, तो वहाँ हाई डैम बनना नेपाल में। अब दो कंट्री के बीच में तो भारत सरकार बात करेगी, बिहार सरकार तो नेपाल से बात करेगी नहीं। और वहाँ पर कितने दिनों से पड़ा हुआ है, DPR बन रहा है, आज तक काम शुरू नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है, नेपाल के प्रधानमंत्री भी यहाँ होके गए, हम लोगों को नहीं मालूम भारत सरकार कुछ बात की भी कि नहीं की, चाहे कोसी हो, चाहे कमला हो, चाहे गंडक हो, चाहे बागमती हो, नेपाल में ये बन जाता है तो निश्चित रूप से बिहार का मेजर एरिया बाढ़ मुक्त हो जाएगा। जब हाई डैम बन जाएगा, कंट्रोल पानी आएगा, तो ये बात एक कंसर्न है, लेकिन उसके अलावा जो हम लोग कर सकते हैं वो सारा तैयारी हम लोग किए।